और हम आपको लकी लड़कियों की निशानी बताएंगे, ऐसी निशानियों वाली लड़कियां जो लक्ष्मी समान मानी जाती हैं, उन्हें लक्ष्मी माना जाता है। गरुड़ पुराण, समुद्र शास्त्र और भविष्य पुराण में महिलाओं और पुरुषों के बहुत सारे शुभ अंगों के बारे में बताया गया, जिनको देखने से न केवल उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है बल्कि उनके आंतरिक रहस्य भी ज्ञात हो जाता है। अब हम आपको लड़कियों के शुभ चिन्ह बताने जा रहे हैं जो लक्ष्मी समान भाग्यशाली होती है, जिनके पैदा होते ही पिता का और शादी के बाद पति का घर प्यार और पैसे से भर जाता है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की महिला होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। फिर लंबी गर्दन, लंबी गर्दन मंगल सूचक होती है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो संपूर्ण वैभव भोगती है। प्राचीन काल से देवी प्रतिमा के वक्ष उभरे हुए होते हैं, ये धन समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक है। मान्यता है कि छोटे वक्ष दुख और परेशानियों का संकेत होते हैं। सौभाग्यवान महिलाओं की दाएं ओर मुड़ी बड़ी और गहरी नाभि होती है। ये शुभ चिन्ह जिन महिलाओं में होता है वह महारानियों जैसा जीवन व्यतीत करती है। भाग्यशाली महिलाओं का जो सिर होता है वो बड़ा होता है। लंबे हाथ सौभाग्य और समृद्धि का चिन्ह है। लंबे और चिकने पैरों वाली स्त्रियां देवी लक्ष्मी की जैसी शुभ होती है। लंबे कान वाली महिलाएं सुख और ऐश्वर्य से भरी लंबी उम्र बिताती हैं। समुद्र शास्त्र मानता है कि सौभाग्यशाली लड़कियों का मांसल और पुष्ट जंघा होती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।